हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे में कॉन्ट्री के साथ वापस। नहीं, ये वीडियो नहीं, ये हमारा ब्लॉग होने वाला, वो भी दूसरा। और मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि एक रैंक पुशर का दिन कैसे जाता है, मतलब वो रैंक पुश करता है तो उसका दिन कैसे चला जाता है, जो सारा चलता है जो भी दिन में उसके, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। और मैं अकेला पुश करने वाला हूँ तो भाई मैं आपको एक से लेकर जड़ तक दिखाऊंगा, मैं कब खाऊंगा और क्या चलेगा सिस्टम, जो भी लगा लो मैं पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा। आज 2 जुलाई है और सीजन 21 रीसेट होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सीजन 21 के बाद मैं 22 में कैसे पुश करूंगा। आज पहला दिन होगा तो चलो अभी ब्लॉग शुरू कर लेते हैं यार, अभी 2:30 बजने में थोड़ा ही टाइम बचा है बस। तो चलो गाइस, मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ और जे मेरा पड़ा भाई फोन, मैं एक दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड के। और अभी 2:24 हो चुके हैं और 2:30 बजे रैंक सीजन रीसेट हो जाएगा, 2:30 बजे मतलब मैच स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं खेलूंगा। और जे मेरे ईयरफोन पड़े हैं और एक्सटेंशन बोर्ड चार्ज पास में ही है, तो जो 4 GB रैम का फ़ोन है गर्म बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन कोई नहीं, हम इसी में खेलेंगे 4 GB रैम वाले में। और 6 मिनट बाकी हैं तो चलो अभी मैं पहले मैच स्टार्ट कर लेता हूँ। बाकी खाने वाने का सिस्टम होगा जो भी मतलब चलता रहेगा, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता रहूँगा। अभी 2:30 बजे हैं, कम से कम 6 बजे तक लेके जाऊँगा या 5 बजे तक, उसके बाद मैं दिखाऊँगा आपको भी मैं डायमंड 1 जा कहाँ पे टच कर रहा हूँ सब कुछ दिखाऊँगा। तो चलो अभी मैच स्टार्ट कर लेते हैं यार, और मैं आपको मैच अभी इसमें नहीं दिखाऊँगा, वो दूसरे चैनल में दिखाऊँगा जो मैच वगैरह होंगे। तो चलो अभी शुरू कर लेते हैं यार। तो चलो गाइस, भाई टोटल 5:30 बज चुके हैं भाई मेरे को 2:30 बजे से लेके अभी तक पुश करते हुए। और भाई मैं प्लैटिनम 1 पे आ चुका है, थोड़े ही पॉइंट और चाहिए मेरे को प्लैटिनम 2 करने के लिए। और फोन भाई आग की तरह भाई गर्म हो चुका है पूरा, मतलब आमलेट बना लो, मैंने कवर निकाल दिया अभी। और भाई लास्ट के जो इधर रीजन में टॉप में बंदा चल रहा है जिसके मतलब डबल आरपी टोकन चल रहे हैं उसके, भाई देखो प्लैटिनम 4 लग रखी है। क्या यार भाई ये क्या चल रहा है, मतलब डबल आरपी टोकन का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप देख सकते हो इधर। और मेरे भाई इधर चेक कर सकते हो मतलब कितने प्लस से ऐसे जा रहे हैं, बट टॉप 1, 2, 7 ऐसे चल रहा है, मतलब बुया अभी 1-2 ही निकला है लेकिन चल रहा है, जैसे भी चल रहा है आप चेक कर सकते हो। और बस यही है, अभी प्लाट आगे मैं और पुश करूंगा, अभी जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट करूंगा और आगे देखते हैं हम कितनी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बाकी ये डबल आरपी टोकन वाले बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले बंदे के एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं कितने हैं हमारे 2100 से ऊपर हैं, 2160 से ऊपर हैं। और लास्ट वाले बंदे के अगर हम चेक करें तो 2202, मतलब 40 या 50 पॉइंट मेरे से आगे चल रहा है ये, वो भी डबल आरपी टोकन लेके। और हमारे पास डबल आरपी टोकन बिल्कुल नहीं है, तो बिना डबल आरपी टोकन के हम इस बार भाई पास में रहेंगे इनके पक्का, देखेंगे क्या बनेगा। तो चलो अभी मैं आगे मैच स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर मैच देखने हैं भाई तो मेन चैनल पे आएंगे, अभी मैं जस्ट मैच इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर तो बस आपको ब्लॉग ही दिखा रहा हूँ बस मैं। तो चलो गाइस, अभी 8:02 हो चुके हैं, अभी आप चेक कर सकते हो मैं अभी भी रैंक पुशिंग पे बैठा हूँ भाई। और भाई मेरा खाना आ चुका है और 8 बज चुके थे, और भाई मैं खाना खाते खाते पुश करूंगा अभी मैं, और थाली में फोन रख के बैठूंगा कहीं पे बिठा दूंगा, उसके बाद खाना स्टार्ट करूंगा। और अभी मैं आपको पॉइंट चेक करा देता हूँ मैं कितने पीछे चल रहा हूँ अभी उनसे, तो अभी देख ले गाइस। और मैं प्लैटिनम 3 पे आ चुका हूँ और मेरे 2370 से ऊपर पॉइंट है, और लास्ट वाले बंदे के अभी हम चेक कर लेते हैं कितने हैं मत। तो ये रहा भाई लास्ट का बंदा जो पिछले सीजन भी ग्रैंड मास्टर था, और इसके भाई 2458 स्कोर हैं, मतलब कुल मिला के 2460 के पास हैं, और इससे भाई हम कम से कम 60-70 पॉइंट पीछे हैं। इनके पास डबल आरपी टोकन शायद हो भी या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, मेरे थोड़े से कम प्लस मिले मेरे को, कोई नहीं हम पकड़ लेंगे इस सीजन ग्रैंड मास्टर। तो चलो अभी मैं खाना खा लूँगा यार, और थोड़ा बहुत कुछ भी करूँगा, मैचेस दिखाऊँगा दूसरे चैनल पर। तो चलो गाइस, भाई 12:15 हो चुके हैं और भाई पूरी रात हो चुकी है और मैं अभी तक पुश कर रहा हूँ, और डायमंड 1 लग चुकी है हमारी। भाई इसी का वेट कर रहा था मैं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको भाई। मैं पुश कर रहा था और मेरे बुया भी निकल रहे थे, देखो ये बुया है और ऊपर वाला ये बुया, मतलब 2 बुया निकले, उसके बाद हैकर आया और ये देखो क्या बोले यार अभी भाई, मतलब पूरा का पूरा मन ख़राब हो चुका है। और हम चाय बनाने आए हैं, मेरी छोटी बहन मेरे को चाय बना के दे रही है। और गाइस अभी और पुशिंग करूंगा, सुबह तक करूंगा मैं, अभी 12 बज चुके हैं, 12:15 हो चुके हैं, अभी मैं आपको शायद से 2 या 3 बजे तक दिखाऊंगा मैं कितने जा किस रैंक पे पहुंच चुका हूं, मतलब जो 2 या 3 बजे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि जो रीजन वाले हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं, जो लास्ट का बंदा है उसको दिखा रहा हूं मैं आपको। तो उसके पॉइंट हैं यार टोटल 2814 और हमारे हैं टोटल 2616, मतलब 200 पॉइंट का फर्क पड़ गया जब हैकर आया। अभी जस्ट मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करूंगा थोड़ी सी, मतलब चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर से मतलब स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो अभी अभी 2 बजे देखेंगे हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलो गाइस, भाई अभी 3 बज चुके हैं सुबह के और सभी सो रहे हैं, और बाहर भाई आंधी चल रखी है और सभी जगह लाइट भाग रखी है। तो भाई मैं अभी भी पुश कर रहा हूँ,
और सभी सो रखे हैं और मैं डायमंड 2 पे आ गया भाई। और हम रीजन में चेक कर लेते हैं। देखो भाई डबल आरपी टोकन का फ़ायदा, मैं भी पुश कर रहा हूँ, देखो नॉन स्टॉप मेरे 2700 स्कोर है, उसके 3700 है, मतलब डबल चल रहे हैं भाई बंदे के। ये डबल आरपी टोकन का फ़ायदा है इतना ज़्यादा, इनको एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और लास्ट वाले बंदे के अगर पॉइंट चेक करें तो भाई इसके हैं 2991, मतलब है यार 300 पॉइंट का फ़र्क, 250 का पड़ गया अभी तो, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये पड़ा क्यों भाई, एक तो आपको मैंने जस्ट दिखाया था, पहले भी हैकर आया था, मेरे 2 मैच ऐसी करके बैक लग गए, मतलब टोटल 80 माइनस के चला गया मेरा। मैं भाई प्लेन में ही, प्लेन से उतरा, उतरते हवा में मार दिया भाई मेरे को, हवा में मतलब उतरते उतरते उड़ा दिया भाई बंदे ने, तो भाई मेरे माइनस लग गए। तो गाइस मैं अभी किचन में हूँ और जहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भाई अभी मैं अपनी सिस्टर को लेके आया हूँ रिकॉर्ड करने के लिए उठा के। भाई अभी सुबह के मैं 7 बजे तक पुश करने वाला हूँ, और उसके बाद भाई किसी को 2 घंटे के लिए आईडी पकड़ाऊंगा, देखेंगे 7 बजे तक मेरी ग्रैंड मास्टर लगेगी या नहीं, उसके बाद मैं सोने जाऊंगा। सोने का तो भाई अभी भी मन कर रहा है, लेकिन अभी भी पुश करूंगा। और काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं यार, 80 का माइनस चला गया 2 हैकर्स की वजह के, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले, जरूर पुश करेंगे। तो चलो अभी 7 बजे मैं दिखाऊंगा आपको मैं कहां तक पहुंचूंगा। भाई मैं बिल्कुल कुछ नहीं खास ज़्यादा कर रहा, सोलो में अपना जितना पुश कर सकता है बंदा, मैं उतना आपको दिखा रहा हूं कि कितना पुश कर सकता है एक नॉर्मल बंदा बिना डबल आरपी टोकन के। तो चलो अभी मैं पुश करने जाता हूं और 7 बजे मिलते हैं यार गाइस। तो गाइस 7:30 बज चुके हैं और मेरे टोटल स्कोर अभी जहाँ पे हो चुके हैं भाई 3002, और डायमंड 4 लगने में भाई मेरे को कम से कम 50 पॉइंट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं हम पुश करते करते। और 7:30 बज चुके हैं भाई मेरे, 41 पहले माइनस लग चुके थे, और लास्ट वाले बंदे की भी भाई ग्रैंड मास्टर लग चुकी है, 3250 स्कोर टोटल उसके हो चुके हैं भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए ये मेरे से। और भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 41 माइनस लग गया था भाई, उतरते ही फिर से आउट हो गया, मतलब कुल मिला के मेरे भाई 120 से ऊपर चले गए माइनस, तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। 2 तो भाई हैकर आ चुके थे, और ये तीसरी वाली भाई मेरी गलती थी थोड़ी सी, और जस्ट मैं अभी बुया निकाल के इसका जो कमी थी तो सारी थोड़ी हुई थी वो कंप्लीट किए, 2 बुया निकाले, एक मैं टॉप में मर गया था थोड़ा सा, और 2 बुया निकाले, उसके बाद ये कमी इसकी पूरी हुई। अभी मैं और पुश करूँगा भाई, तो तो अभी भाई 7:30 तो हो चुके हैं, मेरे को नींद आ रही थी पहले, लेकिन अभी चाय वाय पी ली मैंने, तो अभी नींद मेरी पता नहीं कहाँ चली गई। अभी मैं ही पुश करने वाला हूँ, वैसे तो भाई जे अरमान और शेंटी आ चुके हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जे करने को बोल रहे थे, लेकिन अभी मैं पहले ग्रैंड मास्टर टच कर लूँ उसके बाद देखेंगे। और मैं 4GB रैम वाले फोन में ही खेल रहा हूँ भाई, कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है ये कभी कभी, चलो कोई नहीं। अभी हम देखते हैं भाई कितने बजे तक मेरी ग्रैंड मास्टर लगेगी, लगेगी भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे 3 मैच माइनस लग चुके हैं, अगर 3 नहीं लगते तो अभी तो भाई हम ग्रैंड मास्टर टच कर चुके होते, क्योंकि 120 पॉइंट और ऐड हो जाते तो एक मैच बुया निकालने के बाद मेरे को ग्रैंड मास्टर इजीली मिल जाती, लेकिन कोई नहीं अभी ट्राई करते हैं दोबारा। चलो गाइस, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:50 होने वाले हैं, तो हमारे और हमें टोटल स्कोर चाहिए 7, तो देखते हैं क्या बनेगा। अभी बंदों की लोकेशन मेरे को पता नहीं है, मेरे को 7 पॉइंट चाहिए और जैसे मर्जी करके ये बुया चाहिए, वैसे तो मिल जाएंगे 7 तो अभी कन्फर्म है। ओके तो चलो गाइस अभी 3 मिनट बाकी हैं भाई 12 बजने में, और मेरी ग्रैंड मास्टर लग चुकी है भाई। और भाई इसने जो शैंटी भैया है हमारे, ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं आउट हो गया था टॉप 3 में जाके, क्योंकि मेरे पास डबल वायरल शॉटगन थी और मेरे को वो चलाने नहीं आती भाई, और मैं आउट हो गया था, इसने क्लिप रिकॉर्ड कर दी, इसको लगा ग्रैंड मास्टर नहीं लगेगी और प्लस नहीं मिलेंगे, मेरे को 7+ चाहिए थे, लेकिन मेरे को 11 मिल गए टॉप 3 में आके आउट हुआ था। और मेरी 170 की डैमेज थी भाई उस बंदे को, मतलब 2 शॉट में वो खत्म नहीं हुआ, 170 की 30 HP बच गई थी उसकी कम से कम, तो हमारी ग्रैंड मास्टर लग गई भाई, मतलब टोटल 12 बज गए। कल से मैं 2:30 बजे से अकेला ही बैठा हूँ, तो चलो गाइस अभी मेरी ग्रैंड मास्टर लग चुकी है, कल 2:30 बजे से बैठा हूँ भाई, 12 बज चुके हैं आज के, मतलब 2 जुलाई से बैठा था, 3 जुलाई के 12 बज चुके हैं। और भाई मैं अभी जा रहा हूँ सोने, मेरे को नींद बहुत ज्यादा आ रही है, और अभी पुश करेंगे शैंटी भाई हमारे और अरमान भाई, ये डुओ में करेंगे, मैं तो सोलो में पुश किया हूँ और ग्रैंड मास्टर लगाया हूँ। और गाइस 2-3 घंटे सोने के बाद मैं वीडियो एडिट करके वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो चलो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som.